नमस्कार, उत्तराखंड खबर में आपका स्वागत है। इको ग्रीन यूनिट के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इको ग्रीन यूनिट की प्रोजेक्ट ऑफिसर पूजा सिंह ने व्यस्त पड़े प्राकृतिक रेशों एवं संसाधनों के बारे में बताया कि केला कालपुत्र के नाम से प्रख्यात है। केला एक बहुत बड़ी औषधि भी है। केले का फल एक बार तैयार हो जाने के बाद बाजार में बिक्री के लिए निकल जाता है, जो आमदनी का एक बड़ा स्रोत है। परंतु केले का तना एक बार फल देने के बाद बेकार हो जाता है। बेकार तनों को खपत करने में किसानों को काफी परेशानी होती है। किसान इसे व्यर्थ समझकर फेंक देते हैं, जिसके सामने से वातावरण भी प्रदूषित हो जाता है और इंसानों को सही तरीके से करना या फिर इसका इस्तेमाल करना एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता है। पूजा सिंह बताती है कि वह तनु से भी आमदनी की जा सकती है, जैसे कि केले वैसे ही हस्तनिर्मित हैंडीक्राफ्ट की ओर से बनती है, जो नेचुरल फाइबर एवं इको फ्रेंडली होता है। बैग, पर्स, ट्यूबवेल, कस्टर्ड आदि अनेक तरह की वस्तुएं बनती है। उनकी मांग भारत के अलावा विश्व स्तर पर काफी है। भारत सहित विश्व में बहुत बड़ा बाजार है। घरेलू महिलाएं प्रशिक्षण लेकर स्वरोजगार की दुनिया में अपनी भागीदारी दे सकती है और अपने परिवार को आर्थिक रूप से शुद्ध बना सकती है। तकनीकी अधिकारी नीरज सिंह जी का कहना है कि पैसे निकालने के लिए मशीन बाजार में उपलब्ध है। उत्तराखंड के दो युवाओं की नज़र इन बेकार पड़े पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे तनु पर गई और उन्होंने कुछ नया करने की कोशिश की। सिद्धवा के भूपेश पुरोहित एवं अमित कश्यप एवं इको फ्रेंडली फाइबर पर कार्य करने की पहल की। उत्तराखंड को प्राकृतिक रेशों से स्वरोजगार उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। महिलाओं को स्वरोजगार उत्पन्न कराने का एक कोशिश की है। आइए हम सभी मिलकर स्वर्णिम और हरी भरी जिंदगी की शुरुआत करते हैं और उत्तराखंड को इको फ्रेंडली बनाते हैं। आज से 35 से 40 साल पहले कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में वहाँ के मुख्यमंत्री ने यह कार्य स्टार्ट किया था। पूरे साउथ में ये चूंकि काम हो रहा है और भी जगह काम हो रहा है, लेकिन उत्तराखंड इससे अछूता रह गया। तो उत्तराखंड में जो मैंने आपको बताया, सितवा के दो नवयुवक ने मुझे खबर करी कि हमारे यहाँ केले खेती हो रही है लेकिन इसका कोई भी उपयोग नहीं हो रहा है। तो हमने कहा कि ठीक है, और उन लोगों को प्रेरणा हमारी को ग्रीन यूनिट हमारे NGO से ही हुई, तो उन लोगों ने ही मुझे एक खबर दी और हम लोग आए और हमने इसको अपने टीम के साथ इसको कलेक्ट करना शुरू किया और काम स्टार्ट कर दिया विगत 6 महीने से। आज के लिए बस इतना ही। बाकी के तमाम खबरों के लिए बने रहिए उत्तराखंड खबर के साथ। अगर आपको यह खबर पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।